नमस्कार, वीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आज आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। यूपी के लखीमपुर खीरी कांड का विरोध महाराष्ट्र में जोरदार तरीके से हुआ, हालांकि असर मिला जुला ही रहा। बेस्ट की बसों में तोड़फोड़ की गई है। उधर मुंबई ड्रग्स केस फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज फैसला नहीं हो सका। अब बुधवार 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर आईपीएस परमवीर सिंह को कल यानी 12 अक्टूबर को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के सामने पेश होना है। देखना होगा इस बार भी वह सामने आते हैं या नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं पर बल देते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि प्रदेश सरकार हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण का प्रयास कर रही है, ताकि हर किसी को समय पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा सके। बात राजनीति की करें तो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने वादा किया है कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव में उत्तर भारतीय बहुल वार्डों में उत्तर भारतीय उम्मीदवार दिया जाएगा। इसका असर आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में महाराष्ट्र में आयोजित बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। सोमवार को सुबह मुंबई और पुणे जैसे शहरों में कुछ बसें भी चलती दिखी और लोग यात्रा करते नजर आए, लेकिन सत्ताधारी दलों के कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद ये बसें भी बंद हो गई। दर्जन भर बसों में तोड़फोड़ भी की गई है। सत्ताधारी गठबंधन की ओर से आयोजित बंद के चलते राज्य के कई जिलों में दुकानें बंद हैं और मुंबई एवं पुणे जैसे शहरों में लोकल बसें भी बंद है। हालांकि लोकल ट्रेनों का संचालन सामान्य रूप से चल रहा है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बंद का समर्थन मुंबई, पुणे, ठाणे और नासिक की कई ट्रेडर्स एसोसिएशन ने किया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बंद को 100% सफल बताया है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचले जाने का लोग खुद विरोध कर रहे हैं और उन्होंने बंद को समर्थन दिया है, तो दूसरी तरफ भाजपा नेता आशीष शेलार ने कहा कि शिवसेना ने हमेशा विकास का विरोध किया है। उन्होंने 1980 में मिलों में हड़ताल का भी अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन किया था। इसके अलावा नवी मुंबई, सिंधुदुर्ग में हवाई अड्डों और तटीय मार्गों का भी विरोध किया था। मुंबई ड्रग्स केस फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर सोमवार को फैसला नहीं हो सका। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशंस कोर्ट ने बुधवार 13 अक्टूबर की तारीख तय की। उस दिन सुबह 11 बजे एनसीबी को अपने जवाब पेश करना है और फिर करीब 3:15 बजे सुनवाई होगी। यदि उस दिन सेशंस कोर्ट में जमानत नहीं मिलती है तो आर्यन के पास बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प होगा। आर्यन खान अभी मुंबई की आर्थर रोड जेल में कैद है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार 2 अक्टूबर को एक कथित रेव पार्टी का भंडाफोड़ करने के बाद 23 वर्षीय आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। एनसीबी का दावा है कि ड्रग्स मामले में उसकी छापामारी जारी है, इसीलिए आर्यन खान की कस्टडी जरूरी है। इस बीच पूरे मामले के अंतर्राष्ट्रीय तार भी जुड़ने लगे हैं। एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। मामला राजनीति का भी हो चुका है। एनसीबी प्रवक्ता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक शुरू से इस मामले में एनसीबी को निशाना बना रहे हैं। नवाब मलिक का कहना है कि भाजपा के इशारे पर यह सब हो रहा है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर आईपीएस परमवीर सिंह को कल यानी 12 अक्टूबर को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के सामने पेश होना है। एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा उपनगर गोरेगांव में सिंह के खिलाफ दर्ज वसूली के मामले की जांच कर रही है और उनसे पूछताछ करना चाहती है। मालाबार हिल इलाके में नीलिमा भवन स्थित सिंह के फ्लैट पर पुलिस गई थी, लेकिन वह नहीं मिले। इस कारण उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया। बिल्डर सह होटल व्यवसायी बिमल अग्रवाल की शिकायत पर गोरेगांव थाने में मामला दर्ज किया गया था। सिंह के अलावा बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वजे, सुमित सिंह उर्फ चिंटू, अल्पेश पटेल, विनय सिंह उर्फ बबलू और रियाज भाटी को प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया है। फिलहाल परमवीर सिंह कहाँ है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने हाल ही में कहा था कि ऐसी खबरें हैं कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त ने देश छोड़ दिया है, लेकिन कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। बता दे कि सिंह राज्य में कम से कम 5 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। अब देखना है कि 12 अक्टूबर को परमवीर सिंह सामने आते हैं या नहीं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि प्रदेश सरकार हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण का प्रयास कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के शहरी इलाकों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन ग्रामीण और सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। इसीलिए सरकार अमरावती, परभवनी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेज मंजूर कर चुकी है। सरकार का प्रयास है कि हर जिले में कम से कम एक सरकारी मेडिकल कॉलेज निर्माण होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत मेडिकल टूरिज्म के रूप में विकसित हो रहा है, लेकिन आज भी राज्य के आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में सड़कें खराब होने के कारण लोग मरीज को खाट पर ले जाते हैं। हमें इस स्थिति को बदलना है। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, राज्य में सभी लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि लोगों ने लापरवाही बरती तो कोरोना के मामले बढ़ने पर दोबारा पाबंदी लगाने की नौबत आ सकती है। उत्तर भारतीय समाज को एक बार फिर कांग्रेस से जुड़ने के अपने अभियान के तहत मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने वादा किया है कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव में उत्तर भारतीय बहुल वार्डों में उत्तर भारतीय उम्मीदवार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंबई में बड़ी संख्या में रहने वाले उत्तर भारतीय मतदाता महानगर पालिका चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस के तमाम स्थापित उत्तर भारतीय नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसीलिए अब कांग्रेस ने नए सिरे से युवा उत्तर भारतीय नेताओं को आगे लाने की रणनीति बनाई गई है। इसी के तहत युवा नेताओं को आगे कर वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी मुंबई के सभी 6 लोकसभा क्षेत्रों में उत्तर भारतीय सम्मेलन का आयोजन करने वाली है। भाई जगताप ने कहा कि मुंबई कांग्रेस आने वाले बीएमसी चुनाव में सभी 227 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिस भी वार्ड में उत्तर भारतीय बाहुल्य है वहां उनको ही जवाबदारी दी जाएगी, इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। देश में आज ज्वलंत समस्या कोयले की है। अनेक राज्यों में बिजली गुल होने की आशंका गहराती जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हम बिजली घरों में कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, मगर चिंता बरकरार है। चिंतित बेंगलुरु के वो परिवार भी हैं जिनके बच्चे घर छोड़कर इसलिए भाग गए हैं क्योंकि उन्हें पढ़ने में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था। इसीलिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत कहते हैं कि बच्चों को संस्कार हमें अपने घरों में ही देना होगा। यदि हम अपनी समाज शैली में बदलाव लाए तो भारत विश्वगुरु बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन भी आधुनिक व्यवस्था से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि नागरिकों का खुलकर सांस लेना जरूरी है, सरकारें तो आएंगी और जाएंगी। इसी बीच मध्य प्रदेश के एक जूनियर इंजीनियर ने तो हद कर दी। पूर्व जन्म का हवाला देते हुए मंथन के लिए उसने अवकाश पर जाने का फैसला लिया है। उसका कहना है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पूर्व जन्म में शकुनी मामा थे। देश भर के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। कोयले की कमी के चलते हर राज्य बिजली संकट की आशंका से घिरा हुआ है। इस बारे में दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम को पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने और तुरंत कोयला आपूर्ति को सुनिश्चित कराने की अपील की है। पंजाब के सीएम का कहना है कि उनका राज्य पहले से ही पावर कट की समस्या से जूझ रहा है, ऐसे में कोयले की कमी से बिजली संकट गहरा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि उनके यहाँ के बिजली संयंत्रों में केवल एक ही दिन का कोयला शेष रह गया है, ऐसे में यदि जल्द आपूर्ति नहीं की गई तो संयंत्र बंद हो सकते हैं। उनके इस बयान पर बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली के पास 3 से 4 दिन का कोयला बचा है। उन्होंने कोयले की कमी को भी गलत करार दिया है। बिजली मंत्रालय के एक ट्वीट में कहा गया है कि थर्मल पावर प्लांट में कोयले के भंडार समीक्षा की है। देश में पावर प्लांट्स की मांग को पूरा करने के लिए कोयला मौजूद है। इसकी कमी और बिजली संकट की आशंका पूरी तरह से गलत है।
एक चिंतनीय स्थिति सामने आई है। बेंगलुरु में एक कॉलेज छात्रा समेत कुल 7 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। दरअसल चिंता का कारण यह है कि उनके घरों से बरामद पत्रों के अनुसार उन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उल्लेख किया है कि वे अच्छा नाम और पैसा कमाकर वापस आएंगे। 3 लड़कों ने अलग अलग पत्र लिखे हैं। उनके पत्रों में कहा गया कि हम पढ़ाई से ज़्यादा खेल में रुचि रखते हैं। अगर आप हम पर दबाव डालते हैं तो भी हमें पढ़ाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे। हमें कबड्डी खेल पसंद है। हम इसमें अच्छा नाम कमाएंगे। इस क्षेत्र में और उत्कृष्ट प्रदर्शन करके उस क्षेत्र में नाम कमाने के बाद लौटेंगे। क्षेत्राधिकारी बंगला गुंटे पुलिस ने पड़ोसी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों और सीसीटीवी कैमरों के इनपुट के आधार पर जांच शुरू की है। हैरत यह है कि इनके माता पिता ने भी इनकी तलाशी के लिए अभियान न चलाने का अनुरोध किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे गुस्से में गलत कदम उठा सकते हैं। एक बच्चे के घर से एक नोट मिला है जिसमें सिर्फ चप्पल, टूथब्रश, टूथपेस्ट, पानी की बोतल, नकदी और खेल का सामान ले जाने का जिक्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि छोटे छोटे स्वार्थी कारणों से शादी करने के लिए हमारे लड़की लड़कियां धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों को अपने धर्म और पूजा के प्रति आदर भाव रखना सिखाना चाहिए, ताकि वे अन्य मतों की ओर न जाए। इसका संस्कार अपने घर में देना होगा। यदि हम अपनी समाज शैली में बदलाव लाए तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। इसके लिए हमें अपनी भाषा, भूषा, भवन, भ्रमण, भजन और भोजन अपनी परंपरा के अनुसार ही करना चाहिए। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थेचर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने कहा था कि अपने माता पिता की कैसे सेवा करते हैं। हमें इन परंपराओं के बारे में भारत से सीखना है। वैदिक काल से महाभारत तक हमें हमारे ग्रंथ बताते हैं कि धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। भागवत ने कहा कि पेरिस और सिंगापुर जाने के साथ ही भारत के तीर्थस्थलों जैसे काशी, जालियांवाला बाग और अन्य तीर्थों में भी जाना चाहिए। यही नहीं, हमें स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महात्मा गांधी, वीर सावरकर, बाबा साहेब आम्बेडकर, भगत सिंह के चित्र भी रखने चाहिए। उन्होंने कहा, कभी कभार तो पिज्ज़ा आदि खाना ठीक है, लेकिन हमें घर में अपना परंपरागत भोजन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने कहा है कि नागरिकों का खुलकर सांस लेना जरूरी है। सरकारें तो आएगी और जाएगी, इसके लिए जरूरी है कि देशद्रोह कानून रद्द कर दिया जाए और गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर बने UAPA कानून के भी कुछ हिस्सों को खत्म कर दिया जाए। विश्वनाथ परायत समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस नरीमन ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि वह लंबित देशद्रोह कानून के मामलों को वापस केंद्र के पास न भेजे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे और धारा 124A और UAPA कानून के कुछ हिस्सों को खत्म कर दे, जिससे यहाँ के नागरिक खुलकर सांस ले सके। उन्होंने कहा कि वैश्विक कानून सूचकांक में भारत की रैंक 142 है। इसकी वजह यह है कि यहाँ कठोर और औपनिवेशक कानून अभी भी मौजूद है। UAPA अंग्रेजों का कानून है, क्योंकि इसमें कोई अग्रिम जमानत नहीं होती है। इसमें कम से कम 5 साल की कैद है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अभी भी धारा 124A कैसी बची हुई है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। अपने बयानों को लेकर क्षेत्र में हमेशा चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश के जनपद पंचायत सुसनेर में पदस्थ उपमंत्री राजकुमार यादव एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने जनपद पंचायत CEO पराग पंथी को एक पत्र लिखा है, जिसमें RSS प्रमुख मोहन भागवत को पूर्व जन्म का शकुनी मामा और खुद को AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को अपना सखा महाभारत का नकुल बताया है। यादव द्वारा CEO पराग पंथी को दिए आवेदन में बताया कि मैं जनपद पंचायत में उपयंत्री के पद पर पदस्थ हूँ तथा रविवार को जनपद के किसी भी कार्य में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व मुझे आभास हुआ है कि आत्मा अमर होती है। मुझे अपने पिछले जन्म का भी आभास हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी मेरे पिछले जन्म के सखा नकुल थे और मोहन भागवत शकुनी मामा। इसलिए मैं जीवन को जानने के लिए गीता पाठ करना चाहता हूँ। मैं प्रत्येक रविवार को अपने अंदर के अहंकार को मिटाने के लिए गेहूं का दाना घर घर जाकर भीख मांगकर एकत्रित करूंगा। यह मेरी आत्मा का सवाल है। इधर उक्त आवेदन के सामने आने के बाद विभाग के अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। RSS के पदाधिकारी व स्वयंसेवकों में भी इसे लेकर गुस्सा है। दुनिया एक मामले से निकलती है तो दूसरे में फंसती चली जाती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है 5 बड़े देशों के साथ। अफगानिस्तान जीतने के बावजूद तालिबान महिला अधिकार को पचा नहीं रहा है, जिसके चलते दुनिया भर की महिला संगठनों में रोष है। तो दूसरी तरफ संयमित रूस में नशे की नौटंकी ने कई लोगों की जान ले ली। जहरीली शराब के सेवन से कुल 32 लोगों की मौत हो गई, पर चीन है कि मानता नहीं। विस्तारवादी नीति के कारण भारत और ताइवान दोनों के साथ उसकी ठनी है।
ताइवान हर वार का पलटवार करने की जिद के साथ डटा है, तो भारत ने भी साफ चेता दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। उधर ब्रिटेन के सनसनीखेज दावे से बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रिटेन के सुरक्षा सूत्रों ने कहा है कि रूस ने ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन का ब्लूप्रिंट चुराया और इसके बाद अपनी स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया। दुनिया भर के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। दर्जनों अफगान महिला कार्यकर्ताओं ने अफगानिस्तान में राजनीतिक भागीदारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इन महिलाओं ने तालिबान की कार्यवाहक सरकार में महिला प्रतिनिधित्व की मांग की और कहा कि वो तब तक प्रदर्शन करती रहेगी जब तक कि नई सरकार में उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं हो जाती। अगर महिलाओं को निर्णय लेने में शामिल नहीं किया गया तो समूह द्वारा बनाई गई सरकार गिर जाएगी। गौरतलब है कि तालिबान महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वादा करते हुए दुनिया के सामने एक अच्छी छवि पेश करने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की जमीनी स्थिति से पता चलता है कि ये सब तालिबान के शब्द मात्र है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि समूह के शासन के तहत अफगान महिलाओं को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ सकता है। कुछ दिनों पहले अनुभवी महिला अधिकार कार्यकर्ता महबूबा सिराज ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से युद्धग्रस्त राष्ट्र में बिगड़ती स्थिति के बीच अफगान महिलाओं का पूरा समर्थन करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि तालिबान की महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ दुनिया भर के लोगों में रोष है। रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में जहरीली शराब के सेवन से कुल 32 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार कुल 64 लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया था। अभी 25 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 7 अन्य का इलाज चल रहा है। लोगों के खून में मिथेनॉल पाया गया और कुछ मामलों में लोगों की सांद्रता घातक खुराक लेने से 3 से 5 गुना अधिक हो गई। नकली शराब बेचने के आरोप में अब तक 10 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। स्थानीय पुलिस ने ओरेनबर्ग के ओस्ट्रक शहर में एक गोदाम और एक उत्पादन इकाई से सरोगेट शराब की 1,279 बोतलें जब्त की। 2 दिनों की सामूहिक जांच के दौरान ओरेनबर्ग क्षेत्र के 11 जिलों में लगभग 800 बोतल अवैध शराब जब्त की गई। जानकार हतप्रभ है कि क्रिमिनल के सरोगेट अल्कोहल के खिलाफ अभियान के बावजूद नकली शराब विषाक्तता की समस्या ने लंबे समय से देश को परेशान कर रखा है। दिसंबर 2016 में नकली मादक पेय पीने के बाद रूस के इरकुत्सक में 70 से अधिक लोग मारे गए थे। मामले की जांच जारी है और पता लगाया जा रहा है कि इसमें किसी गिरोह का तो हाथ नहीं। भारत और चीन के बीच बीते साल मई से जारी सीमा विवाद का अब तक कोई स्पष्ट हल नहीं निकल सका है। 13वीं सैन्य वार्ता के दौरान भी दोनों देश किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। कारण यह कि चीन टालने वाली चाल चल रहा है। विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि यह भी चीन एक चाल है जो बेवजह मामले को फंसाए रखना चाहता है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच चर्चा पूर्वी लद्दाख में LAC से जुड़े बाकी मुद्दों के समाधान पर केंद्रित रही। सेना के सूत्रों के अनुसार भारतीय पक्ष ने बताया कि LAC पर मौजूदा स्थित चीनी पक्ष द्वारा यथास्थिति को बदलने और द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन के एक तरफा प्रयासों के कारण बदली, इसीलिए यह जरूरी है कि चीनी पक्ष बाकी क्षेत्रों में उचित कदम उठाए ताकि पश्चिमी क्षेत्र में LAC पर शांति बहाल हो सके। लेकिन चीनी पक्ष सहमत नहीं था और आगे का कोई रास्ता भी नहीं सुझाया। ऐसे में यह बैठक बेनतीजा रही। हालांकि दोनों विदेश मंत्री इस बात पर सहमत हुए थे कि दोनों पक्षों को बाकी मुद्दों को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। भारतीय पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि बाकी मुद्दों पर समाधान से द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की सुविधा होगी। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन की ओर से एकीकरण को लेकर बढ़ते दबाव के बीच द्वीप की रक्षा करने का संकल्प लिया। उन्होंने चीनी सेना के बल प्रयोग को दृढ़ता से खारिज किया और कहा कि हम राजनीतिक यथास्थिति को एकतरफा रूप से बदलने से रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, साथ ही सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ताइवान को चीन द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलने के लिए मजबूर नहीं करे। हम अपना बचाव करने के लिए दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते रहेंगे। बता दें कि चीन ताइवान को अपना क्षेत्र होने का दावा करता है, जबकि यह द्वीप 1949 में गृह युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट शासित मुख्य भूमि से अलग होने के बाद से स्वायत्त शासित
ऐसी है। साई ने चीन के अधिनायकवादी और एकल पार्टी कम्युनिस्ट शासन प्रणाली के विपरीत ताइवान में अनुनादी लोकतंत्र पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चीन ने जो रास्ता बनाया है वह न तो ताइवान के लिए एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक जीवन शैली प्रदान करता है और न ही हमारे 2.3 करोड़ लोगों के लिए संप्रभुता प्रदान करता है। दूसरी तरफ चीन का कहना है कि वह द्वीप पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जरूरत पड़ी तो सैन्य बल का भी इस्तेमाल करेगा। वह ताइवान को चीन के साथ मिलाने को लेकर मिशन पर काम कर रहा है। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर ब्रिटेन ने सनसनीखेज दावा किया है। ब्रिटेन के सुरक्षा सूत्रों ने कहा है कि रूस ने ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन का ब्लूप्रिंट चुराया और इसके बाद अपनी स्पुतनिक कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया। दावे में यह भी कहा गया है कि एक रूसी एजेंट वैक्सीन के विकास के दौरान मौजूद था, उसी ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का डिजाइन रूस को दे दिया। सूत्रों ने कथित रूप से बताया कि इस बात के पक्के सबूत है कि रूस के लिए काम करने वाले जासूसों ने एस्ट्राजेनेका कंपनी से यह कोविशील्ड का डिजाइन चुराया ताकि अपनी स्पुतनिक वैक्सीन को बनाया जा सके। यह दावा ऐसे समय पर आया है जब कुछ महीने पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया था कि उन्होंने स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन लगवाई है। बता दें कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक में ठीक उसी तकनीक का प्रयोग किया गया है जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में है। रूसी वैज्ञानिकों ने भी कहा कि कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बाद लोगों में बेहतर इम्यून रिस्पांस मिला और किसी गंभीर दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि रूसी अध्ययन में केवल 76 लोग शामिल थे और इनमें से केवल आधे को ही वास्तव में कोरोना का टीका लगाया गया था। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तो तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।